करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज है 22 तारीख और अभी बज रहे सुबह के 8:30 और मैं अभी जो है रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि हम लोग को 9:30 बजे तक पूजा करना है। बट सावित्री है आज और आज मैं आपको पूरा वीडियो जो है आप लोग से शेयर करूँगी हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं। और आप देख सकते हो मैंने इस तरह से चूड़ी पहना है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके। और आप देखो मैंने ये साड़ी, मेरा ये शादी की साड़ी है और तो बस मैंने सोचा आज बट सावित्री क्यों ना यही पहन लिया जाए। और चले चलते फिर आपको मैं दिखाती हूँ वहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं तो वहीं ले चलती हूँ आपको, ठीक है। तो और मेरा मेहंदी किस तरह बना है आप ज़रूर बताना, मैं दूसरे हाथ वाले भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए चलते फिर वहाँ पूजा जहाँ हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ सबको और सारी आंटियों से भी मिलवाऊंगी और पूजा किस तरह से हम लोग करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चले चलते फिर। तो गाइस लीजिए मैं पहुंच गई मेरे आंटी के घर जहां हम लोगों ने सबको मिलके पूजा का आयोजन किया हुआ है। अभी ब्राह्मण जी जो पंडित जी अभी आए नहीं हैं तो देखिए आप सबको मैं एक बार दिखा देती हूँ राउंड करके ये सब आंटियां जो हम लोग सबको मिलके पूजा करेंगे यहां पे। अब जिसको भी देखेंगे सब दुल्हन जैसी ही लग रही होंगी क्योंकि आज बट सावित्री आप लोग हिंदी में बोलते हैं, हम लोग सावित्री अमावस्या बोलते हैं। तो आज सब सजी धजी और बहुत बहुत प्यारी और सुंदर लग रही हैं, सब दुल्हन जैसी ही लग रही है। सब गजरा वजरा सब कुछ लगा के आज हम लोग बहुत अच्छी तरह से सजे हैं क्योंकि साल में तो एक दिन आता है तो उसमें तो हम लोग को अच्छी तरह से सजना भी चाहिए। और जितने भी इसमें जो हम लोग पहनते हैं या फिर जो भी प्रसाद आता है ये मायके वाले ही देते हैं। हम लोग का नियम है उड़िया में कि मायके से ही ये प्रसाद जो भी होता है वो आएगा, लेकिन हम लोग जैसे कि बाहर रहते हैं सो उसके वजह से हम लोग को पैसे दिए जाते हैं मायके से, मतलब पैसे मिलते हैं उसी से हम लोग को जो जो पूजा की सामग्री होती है हम लोग सब खरीदते हैं उसी से। और ये पूजा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हस्बैंड के पाँव धोते हैं और वही पानी जो हम लोग थोड़ा सा पीते हैं उसके बाद उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो हम लोग काला चूड़ी पूजा करते हैं वो पूजा हम लोग काला लाल जो भी पूजा करते हैं उसको हम लोग पहले हाथ में पहनते हैं और गला में वो जो काला माली होता है हम लोग मंगलसूत्र छोटा सा उसको भी पहनते हैं और एक छोटा सा आईना भी पूजा होता है इसके साथ। तो उस आईने में हम लोग वो कंघी जो होता है उसको माथे में हम लोग 7 बार जो है लगाते हैं और जो सिंदूर हम लोग पूजा करते हैं वो भी मांग में भरते हैं पति के हाथ से या फिर पति अगर मान लीजिए बाहर कहीं है तो खुद भी भर लेते हैं। और सारा जो श्रृंगार का सामान अपने शरीर में छुआया जाता है उसके बाद जो हस्बैंड को प्रसाद देते हैं और फिर जो बड़ों अगर घर में बड़े कोई होते हैं तो उनको प्रसाद देते हैं, उसके बाद जो हम लोग खुद प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी तरह से हम लोग का ये जो पूजा का विधि और जो पालन है हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो आप देख सकते हो पंडित जी आ चुके हैं और पूजा वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो फिर अभी जो है पूजा होगी, फिर कथा होगा, उसके बाद जो है पूजा कम्प्लीट हो जाएगी हमारी। अब हमारा जो है पूजा कंप्लीट होने वाला है तो थोड़ा सा और कुछ बाकी है बस, वही होने के बाद जो है कथा अभी नहीं हुआ है, सावित्री व्रत कथा हम लोग सुन लेंगे उसके बाद जो है हम लोग सारे जो प्रसाद है वो भगवान को सारे जो प्रसाद है भगवान जी को अर्पण किया जाएगा। उसके बाद जो है कथा अभी होना बाकी है और अभी प्रसाद भी चढ़ाना बाकी है। अभी जो है पुष्पांजलि हो रही है और मैं यहाँ लास्ट में बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे जो है कैमरा सेट करना था तो इसलिए मैं मोबाइल के पास ही बैठी हुई थी क्योंकि थोड़ा घुमाना पड़ता था बीच में, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना। और अभी जो है पुष्पांजलि हमारी कम्प्लीट हो गई और फिर अभी जो है और जानते हैं यहाँ पे सब कोई मतलब सारे नहीं पहने हैं, कोई कोई न्यू साड़ी भी पहना है, न्यू साड़ी इसमें पहना जाता है बट मेरे पास शादी का साड़ी था तो मैंने पहन लिया, नहीं तो हम लोग जो गंजाम में है ना सब न्यू साड़ी ही पहनते हैं आज का न्यू साड़ी क्या सूती का साड़ी पहनते हैं आज। और ये भी मायके से आया हुआ रहता है। तातियों जो हम लोग पूजा कर रहे हैं वो सील की लोड़ी है और उसमें जो हल्दी का लेप लगा के उनका भगवान का मुंह बनाया जाता है, उसमें सिंदूर और लाल कपड़ा
फूल की माला से सजाया जाता है, गहना कुछ एक पहनाया जाता है और बस इसी तरह से हम लोग प्रतिमा का प्रतिमा बना के पूजा करते हैं। तो अभी जो हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, आरती हो रही है, कथा भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग अपने घर जाएंगे और फिर शाम 4 बजे आएंगे। तो अभी बज रहे शाम के 4 गाइस, और अभी जो है हम लोग गए हैं तालाब, हमारे घर के पास ही एक तालाब है। बड़ी मम्मी आंटी सब जो है विसर्जन कर रही हैं। और तो ये साल भर का पूजा था, कंप्लीट हो गया भगवान की कृपा से। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।